माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देख सकते हैं मैं रेडी वेडी हो गई हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मैं रेडी वेडी हो गई हूँ और बढ़िया आज मैंने साड़ी पहनी है, ये येलो येलो कलर वाली। अभी दीदी को देखती हूँ, दीदी तैयार हुई है कि नहीं। आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, आगे दिखेगा आपको, देखो आ जा। तो दीदी ने सूट डाला है, वैसे मुझे भी कह रही थी सूट डालने को पर नहीं डाला। हाय राम, आज ये आंटी ने ऊपर ही छोड़ दिया इसको, उनका पैदान नीचे डाल दो, पोछा लगाया था। तो हो गई दीदी रेडी? तैयार है, ऑटो तो आ जाए फिर चलते हैं। बढ़िया, हमारी दीदी तैयार हो गई हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं मंदिर में और बच्चों की शैतानी अभी दिखाती हूँ। देखो ए नाइशा, देखो मंदिर है, देखो सूर्य भगवान अस्त हो रहा है। देखो अब बहुत अच्छा कर दिया, पता है ये पहले रहता है? हाँ रहता तो है। उतरो उतरो जल्दी, शैतान है। सबसे अच्छा बच्चा है ना ये, मीठी लगता हमें। देखो देखो उसको, देखो अगर ये गिर गई ना तो पता चलेगा इसको। बच्चे हमारे पहुंच गए झूला झूलने। देखो करो करो करो, तो ऐसी ले जाया करो, इनकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी दीदी ऐसे झूलों में। मिट्टी की एक्सरसाइज हो रही है भाई। मिट्टी हमको हम आराम दीदी। मिट्टी ने हमको ऐसा घुमाया भाई, रुक जा रुक। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर, बच्चों को अच्छे से खूब झूला झूला दिया है, अच्छे से मन भर के खेल लिए। तो फ्रेंड्स जब भी कोई बाहर से आता है ना तो हम लोग ये मंदिर दिखाने ज़रूर लेकर आते हैं। हर ब्लॉग में मैं इस मंदिर के बारे में बता चुकी हूँ काफ़ी, इसलिए आज नहीं बताऊँगी। ये बहुत पुराना मंदिर है, अब इसका मेंटेनेंस मतलब जो यहाँ के पार्षद वगैरह हैं, जो विधायक, वो अब करवा रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले इस मंदिर पर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, अब जो हमारे यहाँ के हैं ना विधायक वगैरह, वो अब ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं, इसीलिए मंदिर और सुंदर हो रहा है। कितनी जिद्दी कर रहा है आप देखो। हम कह रहे हैं कि हम जिंदी है, अक्की जिंदाबाद। यहाँ से सुंदर मंदिर दिखता है, भाग रहे हैं बिल्कुल। मिठी को नहीं है। वो ही तो ऐसे नहीं चिल्लाते, वो
चिल्लाते हैं ना तो अपने को ऐसा लगता है कि हाँ भैया बच्चे हैं, बुरा लग रहा है, पर वो बिल्कुल सही चिल्लाते हैं। आज पापा जी ने बहुत डांटा था अक्की को, नायशा को, मिठी को, तो चलो वो तो इतनी शैतानी नहीं देता है। इधर से आओ दीदी। रतलाम में इतना सुंदर मंदिर है, अब तो बहुत अच्छा कर दिया सारा कुछ। जितने भी पेड़ दिख रहे हैं ना सामने, सारे यहाँ पर अमरूद के पेड़ हैं, सारे जामफल हैं। ऐसे ही आगे बेचते हैं। हाँ, हमारे रतलाम में जितने भी बच्चे। आ जाइए नायशा, आओ आओ, आगे आओ। देख वो मंदिर बच्चे उधर। अजीब सा सुकून है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं मिठी बच्चा आ जा, इधर आ जा, आ जा। तो मिठी बैठा है, देख सकते हैं यहाँ पर। दीदी वहाँ बैठी हैं, पंडित जी से कर रही हैं बातें। बहुत सुकून है यार, बहुत। मंदिर में अजीब सी शांति होती है, यहाँ आकर ऐसा लगता है सब कुछ भूल जाए। तो फ्रेंड्स, बच्चों को यहाँ पर खाने थे अमरूद, तो हम लोग लेने लगे। 10 रुपए कुछ प्लेट थी यहाँ पर। यहाँ पर आंवला भी मिल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। मतलब ये सब कुछ यहीं का है, मतलब ऑर्गेनिक यहाँ पूरा फार्म है, तो यहीं पर सारी चीज़ें ये लोग उगाते हैं और बेचते हैं। मंदिर से घूम कर आ चुके हैं, हो गए 5-10 मिनट। अब जल्दी से कपड़े वपड़े चेंज करके दीपक वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि 7 बज रहे हैं। अमरूद वगैरह वहाँ पर खूब खाएँ, सुबह ही हिचकी आ रही है। तो अभी जाती हूँ कपड़े चेंज करके, हाथ मुँह धुल के पहले दीपक लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ अब ये ब्लॉग। मतलब रात क्या हुआ था, वहाँ से आए, फिर खाना बनाया, उसमें लेट हो गए, और बच्चों ने इतना ज़्यादा परेशान कर लिया, तो फिर थकान भी हो गई थी, फिर हम सो गए थे। कोई भी ब्लॉग उससे आगे का मैंने शूट नहीं करा। तो मैंने कहा बहुत छोटू सा ब्लॉग है, थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ। पूर्णिमा का जो मैंने ब्लॉग डाला, उसमें आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि दीदी हवन किस तरीके से करते हैं वो बताइएगा। और आप लोग ना उसमें बोलते हो कि मेरा नाम लीजिए, पर उसमें ना एक अनुराधा करके उन्होंने भी बोला मेरा नाम लीजिए, और उसमें ना आईडी रहती है, उसमें समझ ही नहीं आता कैसे। तो प्लीज़ अपना नाम भी मेंशन करके भेजो, जिससे पता चले कि हाँ आपका क्या नाम है। तो हाँ, तो आप लोगों ने पूछा हवन के बारे में, तो नेक्स्ट टाइम जरूर बताऊंगी। सिंपल तरीके से जैसे हवन की सामग्री आती है ना, मैं क्या करती हूँ, पतंजलि की जो रहती है ना हवन सामग्री, उसमें सब कुछ मिला रहता है। तो बस उसमें थोड़ा सा देसी खांड मिला लो, गुलाब के फूल मिला लो, थोड़े से चावल मिला लो, और जो भी चीज़ आप मिलाना चाहते हो वो चीज़ें मिलाकर, और एक हाथ से माला ऐसे ऐसे घुमाते एक हाथ से आहुति देती रहती हूँ, 108 माला करके, मंत्रों का जाप करके, और हवन हो जाता है घर में छोटे तरीके से। क्योंकि पंडित जी को बुलाओ और फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता है वो, तो इसलिए खुद से ही कर ले, खुद से कर सकते हैं इस तरीके से छोटा सा हवन। और मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को मैं इतना ही रहने दूँ, छुटकू सा ब्लॉग बना है ये, कोई बात नहीं। जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो बहुत अच्छा आने वाला है, तो वेट करिएगा। मेरा ब्लॉग 1 PM पर ही आएगा, मैंने सोच लिया, भले मैं ब्लॉग नहीं डालूँगी, अगर 1 बजे के बाद 2 बज गए तो भी मैं ब्लॉग नहीं डालूँगी, पर डालूँगी 1 ही बजे, मैंने अब सोच लिया है। और मैं दूसरी चीज़, 31 को मैं लाइव आऊँगी, आप लोगों को बता ही रखा है 9 बजे, तो प्लीज़ वेट करिए, और सब लोग मतलब आइए लाइव में, बातें करेंगे बहुत सारी। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।